फिक्र नहीं है उनको कि मेरा आगाज कैसा था, वो तो मेरे अंजाम के इंतजार में बैठे हैं। सभी को नमस्कार। कश्मीरा सिंह, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो भारत के इतिहास में दर्ज होते होते कहीं पीछे छूट गया, और शायद ही कोई होगा जो कश्मीरा सिंह के नाम को जानता होगा। तो आज हम ऐसे ही व्यक्ति की बात करने वाले हैं, कश्मीरा सिंह, भारत की तरफ से एथलीट, जो 1987 में इटली के रोम शहर में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए भारत की ओर से गए हुए थे। अलग-अलग देशों के बहुत सारे एथलीट वहां पर आए हुए थे, जिन्हें इस प्रतियोगिता में वो ट्रॉफी अपने नाम करनी थी। वो दिन आ जाता है जिस दिन वो प्रतियोगिता शुरू होनी है। सभी खिलाड़ी ट्रैक पर पहुंचते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। उसके बाद उन सभी को रेडी होने का साइन किया जाता है और आवाज आती है, गेट सेट गो एट क्लैप। इस क्लैप के साथ पूरे जी जान के साथ ट्रैक पर 40 धावक दौड़ पड़ते हैं उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। जो उस पर सबसे पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा, वही अपने नाम ट्रॉफी करेगा। उस ट्रैक को टोटल 1500 मीटर का जो ट्रैक था, पौने चार राउंड में पूरा करना था। सभी एथलीट ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। पहले राउंड में भारत के कश्मीरा सिंह ने बढ़त बना ली। दूसरा राउंड शुरू होता है। कश्मीरा सिंह इस राउंड में भी सबसे आगे हैं। तीसरा राउंड शुरू होता है। तीसरे राउंड में कश्मीरा सिंह ने सबको पछाड़ते हुए बहुत बढ़त बना ली है, और उधर कमेंट्रेटर भी बोल रहे हैं कि भारत का एथलीट इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट्रेटर और कैमरामैन दोनों का ध्यान पीछे दौड़ रहे किन्हीं दो खिलाड़ियों पर था। अंतिम राउंड की शुरुआत होती है। अंतिम राउंड की शुरुआत होती है जैसे ही सभी खिलाड़ी लगातार अपने आप जान लगाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एक खिलाड़ी ने कश्मीरा सिंह को पछाड़ दिया। अब दूसरे ने, अब तीसरे ने, चौथे ने, धीरे 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 करके कश्मीरा सिंह उन सभी धावकों की भीड़ में कहीं पीछे खो जाते हैं और वो रेस पर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते हैं, सोमालिया के एब्दी बॉय। एब्दी बॉयल ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को टच किया और सोमालिया ने उस रेस में चैंपियनशिप की ट्रॉफी ले ली। बाद में बहुत समीक्षा की गई, पूछा गया, देखा गया, तो पता चला कि जो कश्मीरा सिंह 3 राउंड में सबसे आगे थे और बहुत अच्छा जो दौड़ रहे थे ट्रैक पर, लास्ट राउंड के खत्म होते होते वो 40 धावकों में से 38वें नंबर पर थे। दौड़ समाप्त हो चुकी थी, सभी फिनिशिंग लाइन को टच कर चुके थे और इतिहास में नाम दर्ज हुआ सोमालिया के एथलीट का। इतिहास में नाम दर्ज हुआ उस 1987 की एथलीट चैंपियनशिप में सोमालिया का। भारत का नाम दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रेस कितने जी जान से दौड़ी, आपने कितना अच्छी अपनी शुरुआत की। फर्क इससे पड़ता है कि फिनिशिंग लाइन पर कौन सबसे पहले पहुंचा। जो सबसे पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। यही हमारी लाइफ के साथ है। हमने जीवन में कितना संघर्ष किया इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या पाया, क्या खोया, आप कितना रोज खुद को घिस पा रहे थे, रोज कितना आपने संघर्ष के लिए अपने आप को डिवोट किया है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने लाइफ में क्या पाया? आप उस फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे लेकिन सबसे पहले पहुंचे, ये वैल्यू करता है। तो फिनिशिंग लाइन ही डिसाइड करती है कि आप एक विनर हैं, आप एक ट्रॉफी के हकदार हैं या नहीं है। विचार कीजिएगा कि आगाज और अंजाम दोनों कैसे हों। धन्यवाद।